दोस्तों, थ्री स्नैक्स में हम फ्लावर पॉट किस तरह बनाया जाता है ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्लावर पॉट बनाने का जो स्टार्टिंग है हमारा, उसके सेटिंग्स के बारे में हम पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फ्रंट में जाना है। ओके, ये जो है ये व्यूज़ है हमारे, उसमें हमें फ्रंट व्यू में जाना है। फ्रंट व्यू में जाने के बाद ही हम फ्लावर पॉट को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। फ्लावर पॉट में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कमांड पैनल में ये शेप्स में जाना है और फिर यहाँ से लाइन सिलेक्ट करना है। लाइन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक स्मूथ ऑप्शन है, ये स्मूथ पे क्लिक कर दो और फिर आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इस तरह से। अगर मैं स्मूथ पे यहाँ पर क्लिक नहीं करता, कॉर्नर लेता, तो यहाँ पर कॉर्नर आ जाता, इसीलिए मैंने स्मूथ ले लिया है। ओके, इस तरह से ये, और यहाँ क्लिक किया। ओके, उसके बाद सिंपली एस्केप की बटन प्रेस करके एस्केप कर दो तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। अभी इसके बाद क्या करना है? ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट में जाके पर्सपेक्टिव में जाओ और हमारे पर्सपेक्टिव व्यू में हम इसे देख पाएंगे। इसके बाद इसे सिलेक्ट करो और मॉडिफायर में जाके यहाँ पर अपना लेथ मॉडिफायर सिलेक्ट करना है आपको। ओके, ये लेथ मॉडिफायर है ना, एल प्रेस करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। अभी क्लिक कर दो, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसके एरो की यहाँ पर क्लिक करके ये एक्सिस को सिलेक्ट कर लो। एक्सिस को सिलेक्ट करके उसे मूव कर दो। ओके, अगर मूव एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप मूव यहाँ से एक्टिवेट कर लो, लेकिन ये एक्सिस को ही मूव करना है आपको। ओके, अगर आप एक्सिस को मूव नहीं करेंगे, लेथ को मूव करेंगे, ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमें इस तरह से ये एक्सिस को मूव करना है और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक्सिस को ऑफ कर दो फिर से। ठीक है, अभी यहाँ पर जाके एस प्रेस करो और शेल कमांड में जाओ। ओके, आप फास्टली टाइप करके भी शेल कमांड में जा सकते हो। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो, SH प्रेस करो तो ये शेल कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करो तो ये शेल कमांड एक्टिवेट हो गया है। अभी दिखाता हूँ मैं एक्टिवेट करने के बाद ये क्या होता है। तो ये जो ड्राइंग है ना, इसको थिकनेस आ गया। देखो, शेल की वजह से क्या होता है, थिकनेस आ जाता है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये आप देख रहे हो कि इसको थिकनेस नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये बिल्कुल पतला पतला है, लेकिन जैसे मैं इसे थिकनेस देता हूँ शेल कमांड से, तो ये इस तरह से दिखता है। ओके, अगर आप इसे शेल कमांड से थिकनेस नहीं दोगे तो आपका डिज़ाइन जो है रेंडर नहीं हो पाएगा अच्छे से। ओके, जब हम फाइनल में रेंडरिंग करते हैं ना, तो वो मैं रेंडरिंग करके भी दिखाऊंगा। ओके, सो ये हो गया फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट शेल के यहाँ से आप इसका इनर और आउटर थिकनेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है, देखो इनर वाला ये और आउटर वाला ये हो रहा है। असलियत में इनर वाला तो ये है, लेकिन बाहर से बढ़ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि हमने ड्राइंग करते वक्त जो मूव किया था अपना जो फ्लावर पॉट का डिज़ाइन, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। ओके, क्योंकि एक्चुअल में ये जो एक्सिस था, ये एक्सिस हमें इस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ मूव करना चाहिए था। एक सेकेंड, ऐसे मूव करना चाहिए था, तो इनर वाला अलग से डिज़ाइन यहाँ पर काम करता है। देखो, अभी इनर वाला बढ़ रहा है ना, ऐसे है ये। ओके, सो कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा, हमारा डिज़ाइन ही अलग है तो इसलिए हमने इस तरह से बना के दिया। ओके, छोड़ दो। अगर आपको ये बहुत ही हार्ड लग रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो आप बस इतना याद में रख लो कि ये जो शेल है, इसकी वजह से अपने फ्लावर पॉट को थिकनेस आती है। बस फ्लावर पॉट को ही नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शेल कमांड से थिकनेस दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हुआ शेल। और शेल के बाद अभी आपको टर्बो स्मूथ यूज़ करना है। ओके, तो टर्बो स्मूथ कमांड दोगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट स्मूथ हो जाएगा और इस तरह हमारा फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसमें आप चाहे तो यहाँ से क्रिएट में जाके, ज्योमेट्री में जाके AEC ऑब्जेक्ट जो है ये सिलेक्ट करके यहाँ पर फॉइलेज क्लिक कर सकते हो और यहाँ से जो आपको चाहिए वो वाला ले सकते हो यहाँ पर। और इसका स्केल थोड़ा मैं बढ़ा कर लेता हूँ ऐसे, और फिर मूव कमांड से ये इस तरह से हो जाएगा। Thank you.
ये इस तरह से आपको अभी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका रेंडर हमें करना है। रेंडर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के नीचे एक प्लेन डाल देता हूँ पहले, ओके, ताकि ये थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। हाँ, अब हमें इसे रेंडर करना है, लेकिन रेंडर करने से पहले हमारे सीन में लाइट्स नहीं है, तो ये ओके फ्लावर पॉट तो हमारा बन गया है, ओके आप अलग अलग डिज़ाइन से बना सकते हो। अभी इसे रेंडर करने से पहले रेंडर सेटअप में जाओ, और रेंडर सेटअप में जाने के बाद वीरे रेंडरर में लेता हूँ, आप जो भी हो आप ले सकते हो, जो आपको चाहिए। मैं वीरे से काम कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके, और वीरे हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर वीरे की लाइट्स भी इंसर्ट करनी है, यहाँ पर लाइट्स में जाके वीरे लाइट्स जो है, तो मैं इसे रेक्टेंगुलर लाइट्स यहाँ पर ले लेता हूँ, इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ऊपर से लाइट गिरानी है हमें इस पर। और मॉडिफाई में जाके ये लाइट का जो मल्टीप्लायर है, इसे मल्टीप्लायर को हम कम कर देते हैं। और अभी इसे मैं हम जब रेंडर करेंगे तो हमें कुछ अलग सा रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। इस तरह से हमें ये रिज़ल्ट अभी मिल गया है, ओके। सो ये इस तरह से अभी बन गया है। थोड़ा सा लाइट्स हमने बढ़ा दिए, मतलब उसके पास में लगाए तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो हमने इस तरह से अपना फ्लावर पॉट बना लिया है। अब इस फ्लावर पॉट में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। ये जो फ्लावर पॉट हमने बनाया, यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन भी हम करने वाले हैं। उसके लिए हमने पहले मटेरियल एडिटर में जाना है। डेकोरेशन मतलब हम क्या करने वाले हैं, हमारे डिज़ाइन को थोड़ा मटेरियल अप्लाई करने वाले हैं। वो किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। इसे मैंने पहले क्या किया, डिज़ाइन मेरे पास ये जो मटेरियल्स ऑलरेडी है वो मैंने यहाँ से इसे सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया है। और दूसरा वाला जो है वो थोड़ा इस तरह से एक प्लेन को अप्लाई कर देते हैं। और अब इसे हम जब रेंडर करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमें इस तरह से यहाँ पर रिज़ल्ट मिल जाएगा।